अज तो 36 वरे पहला अज के दिन सरदार सिमरजीत सिंह मान ने 6 जून 1984 को अकाल तख्त साहब उत्ते हुए हमले तो 12 दिन बाद हमले का विरोध करते हुए अपने IPS के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। अपने फेसबुक अकाउंट उत्ते जानकारी साझे करदे उन्होंने लिखा है कि इंडिया दी एजेंसियां दे द्वारा जो मेरी पूछगिछ की जा रही थी तो मैनू हुक्मराना वालों माफ़ी और मुड़ बहाली की पेशकश की गई सी। मैं अपनी पूछगिछ करने वाले नूं कहा कि मैं तो अस्तीफा उसे पल दे दिता सी जदों इंडिया दीआं हथियारबंद फौजां ने दरबार साहब अते अकाल तख्त साहब उत्ते ब्लू स्टार का फौजी हमला किया। दरबार साहब की वड्डे पद्धर से तोड़पान करके जंगी अपराध किए गए। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाला की अगवाई हेठ साडी सिख नौजवानी लीडरशिप की नसलकुशी और कतलेआम कर दिता गया। उस दिन 25,000 सिख श्रद्धालुओं जिन्हों विच बच्चे बीबियां बजुर्ग और नौजवान सन का बहुत बेरहमी नाल कतल कर दिता गया। मैं अपने अस्तीफे विच जवाब दिता सी कि साका नीला तारा 6 जून 1984 नूं होया सी अते मैं अपना अस्तीफा 12 दिन बाद दिता। फिर मैं सोचा कि इस हुई देरी की व्याख्या किवें करांगा, इसलिए मैं अपना अस्तीफा देने तो पहला साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो हुक्म लिया। उस समय श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की रचित बाणी के शब्द ये सन, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना, सुख स्ने अर पै नहीं जाकै कंचन माटी मानना। यह अस्तीफा मैं अपनी इंडियन पुलिस सेवावां तो दिता सी जो कि उस समय इंडिया के प्रेजिडेंट ज्ञानी जैल सिंह नूं भेजा गया सी। उस समय के 2 तैनात पुलिस अफसरां ने यह अच्छा काम किया कि मैनू एक पागल सैल विचों तब्दील करके एक आम साफ सैल विच भेज दिता गया। यह दोवें अधिकारियों विचों एक बिहार का गृह सकत्तर और दूजा इसे राज का एक पुलिस इंस्पैक्टर जनरल सी। पागल मैनस सैल विच पानी की एक बाल्टी और मिट्टी का एक घड़ा सी। इस घड़े नू दिन विच एक बार ही साफ किया जाता सी। मैं उपरोक्त दोवां इन्हां अधिकारियों नू समझाया कि जेकर मैं अपना अस्तीफा देने लई 12 दिन का समा दिंदा हाँ तो यह एक सोचा समझा फैसला कहा जाएगा, ना कि जल्दबाजी वाला। इसलिए इखलाकी के तौर पर मेरे लिए यह सोचना गलत होगा। यह मेरा अस्तीफा उस समय के उत्साह के अनुकूल से, इसलिए मैं अपना अस्तीफा देने के अमल उत्ते कायम रहांगा। सिखा विरुद्ध उस समय हुकूमती जुल्म भयानक मुआफक सी। इस तो बाद मैं 1984 तो लैके 1999 तक 5 साल इंडियन जेलों में लंबी कैद कट्टी। पर जदों मैं देखता हाँ कि मेरे होर सिख साथियों ने 25-25 साल जेल में बिताए हैं और अजे भी बिता रहे हैं, क्योंकि असी अपने खालसाई राज तो रहित लोग हाँ। जिवें कि गुरुआं ने सानू रूहानी नैतिक ते शरीरक ताकत बख्शिश की है, उस तो असी कदे भी हार नहीं मन सकते।